हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में आपके साथ एक और हैम्पर मेकिंग आइडिया शेयर करूंगी। लग्जरी हैम्पर बन रहे हैं हमारे वर्क प्लेस में, ठीक है, काफ़ी अच्छे हैं। जैसा आपको अभी पता चल रहा होगा, ये जो प्रोडक्ट्स हैं सारे निक बेकर्स के हैं, और निक बेकर्स के जो भी प्रोडक्ट होते हैं काफ़ी अच्छे भी होते हैं और काफ़ी महंगे भी होते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट है देख लेते हैं। जैम जार है, चीज़ स्ट्रॉज है इसमें, ठीक है, और इसमें क्या आ रहा है, इसमें आई थिंक है बिस्किट्स, ये है सॉल्टेड बटर कुकीज़, ये बहुत टेस्टी होती हैं, ये मेरी फेवरेट हैं, ठीक है। और इसमें आई थिंक आलमंड्स रॉक्स हैं कुछ, ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। तो अगर आप हैम्पर बना रहे हो तो आपके लिए काफ़ी सारे आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है कुछ, आई डोंट नो ये क्या है, ठीक है। अभी और इसमें प्रोडक्ट है, ये है हर्ब चिप्स, ये तो मैंने ट्राई की है, ये काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट हो गए ये जो सारे प्रोडक्ट हैं ये हैं अराउंड 300 से अबव है इनका जो प्राइस है, अराउंड कोई 450 या 550 है। काफ़ी सारे काफ़ी महंगे प्रोडक्ट होते हैं, आपको पता है जो निक बेकर्स के प्रोडक्ट हैं काफ़ी महंगे होते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसमें हमारे 6-7 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, तो इनको हम प्लेस करेंगे। और बट प्लेस करने से पहले कुछ और भी हम इनमें ऐड कर रहे हैं, तो ये है मॉकटेल की बॉटल्स, ठीक है, इसमें 3-4 फ्लेवर्स हैं, ठीक है। तो निक बेकर्स के प्रोडक्ट के साथ मॉकटेल की कुछ बॉटल्स का कम्बिनेशन किया गया है इन हैम्पर को बनाने के लिए, तो काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट हैम्पर बनने वाला है। इसकी क्या कॉस्ट निकलेगी मैं आपको रिवील करूँगी वीडियो के एंड में, ठीक है। तो ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है बट फिर भी काफ़ी सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को लेके आप हैम्पर बना सकते हो। और मेरे पास अभी एक इस तरह के बास्केट्स है जिसमें हमने प्रोडक्ट को रखना है, ठीक है, इसमें ग्लास लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह के, ठीक है। ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, बट ये हमारे प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग काफ़ी छोटा प्लेटर रह जाएगा, ठीक है, और बहुत डेलिकेट भी है, इसमें हमारे इतने प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम चूज़ करेंगे कुछ इस तरह की डेप्थ वाली मेटल की बास्केट, ठीक है। तो ये है मेटल की बास्केट, बट अगर आप इस तरह की मेटल की बास्केट में प्रोडक्ट रख रहे हो तो सबसे पहले आपको उसमें रिबन लगा के उसको डेकोरेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो प्रोडक्ट का प्लेसमेंट आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है हमारी अभी प्लेसमेंट हो रही है, तो प्लेसमेंट कुछ इस तरह से हम कर रहे हैं। जो बड़े बड़े बॉक्सेस हैं इनको हमने पीछे रखा हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अगर आप इस तरह के जो भी हैम्पर्स बनाते हैं, ठीक है, तो पहले जान तो आपको अपनी बास्केट का आइडिया रखना पड़ेगा, कितनी बड़ी आप बास्केट रख रहे हो, तो बास्केट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आपके होने चाहिए। जहाँ आपको आप अगर पर्टिकुलर हों भी इतने ही मेरे ये प्रोडक्ट्स हैं तो आपको प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग ही बास्केट लेनी पड़ेगी। मीन्स आपको एक आइडिया रखना पड़ेगा दिमाग में किस तरह के हैम्पर्स आप बनाना चाहते हो। ये लग्जरी हैम्पर बन रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं और जो मेटल की बास्केट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है। तो इस तरह की प्लेसमेंट हमने कर दी है, और प्लेसमेंट करने से पहले सारे जो इस तरह के बास्केट्स हैं उसको रिबन से डेकोरेट कर दिया, क्योंकि बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी जो बहुत काम है वो है बो बनाने वाला काम, क्योंकि इस जो ये वाला हैम्पर बन रहे हैं इनके ऊपर हर एक प्रोडक्ट के ऊपर बो लग रहा है, और ये सारी प्रोफेशनल्स बो हैं। अगर आप इस तरह की बो सीखना चाहते हो, इस तरह के बिजनेस में आना चाहते हो, तो आप हमारे ऑनलाइन टूजो पैकिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकती हो। तो बहुत सारी बोज पहले ही बना ली गई हैं, ताकि जो जब भी हैम्पर्स का काम स्टार्ट हुए तो हम इसके ऊपर आसानी से लगा पाए, ठीक है। और हमारे हैम्पर बन के रेडी हो चुके हैं, ठीक है। और हैम्पर्स जैसे कि देखने में पता चल रहा है, कुछ हैम्पर्स जो हाफ है उनको हमने येलो और ब्लू में डिवाइड किया है, डेकोरेशन में डिवाइड किया है, और कुछ को हमने पर्पल, जन की पर्पल फैमिली है, और गोल्डन कलर में डिवाइड किया गया है। आपको कौन से कलर कम्बिनेशन वाले हैम्पर्स ज़्यादा अच्छे लगे? आई थिंक मुझे ब्लू और येलो वाले बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और ये बहुत अच्छे लगे क्लाइंट को, कस्टमर को, सभी ने बहुत प्रेज की। और पर्पल वाले भी बहुत अच्छे बने हैं, और इनके ऊपर एक्रिल शीट के साथ जो लड़की लड़की का नाम है वो भी
मेंशन किया गया है, कस्टमाइजेशन की गई है अच्छी तरीके से। तो ये है हमारी हैम्पर्स जो बन के रेडी हो चुके हैं। देखिए कितना डिटेलिंग में काम किया गया है। इस तरह के हैम्पर्स को बनाने में रियली बहुत टाइम लगता है, बट जब अप्रिशिएशन मिलता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, तब हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह के हैम्पर्स आप भी बना सकते हो। तो इन प्रोडक्ट की जो हैम्पर्स की हमारी कुल कॉस्ट अगर आप जानना चाहते हो तो अराउंड 5000 के एक हैम्पर ये कॉस्ट इनकी पड़ी है, विद प्रोडक्ट, विद डेकोरेशन, विद मेटल बास्केट्स, ठीक है, अबव 5000। ठीक है, आई होप आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।